चंदा दी रसोई 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं 2 दिन से कोई ब्लॉग लेके नहीं आ रही थी, बट आज मैं लेके आई हूँ क्योंकि मैं बनारस घूमने गई थी। तो आज का हमारा रेसिपी है ब्लॉग, इसी का लेके मैं आई हूँ, चिकन हांडी। चिकन हांडी में चिकन कैसे बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं, वो मैं सब आपको बताऊँगी। तो चलिए बनाते हैं आपके साथ चिकन हांडी। तो सबसे पहले मैं हांडी को धो दी हूँ, बहुत अच्छे से मैं इसे साफ कर दी हूँ और इसी में मैं आज चिकन हांडी आपको बता रही हूँ कि कैसे बनती है। तो हांडी हमारा गर्म हो रहा है, आज ये देखिए सबसे पहले मैं 2 प्याज को फ्राई कर दे रही हूँ। गैस का फ्लेम कम रख के मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, इसे मैं अपने चिकन में यूज करूंगी। और इधर मैं हांडी अपना चढ़ा दी हूँ, ये देखिए हांडी हमारा गर्म हो रहा है। और नेक्स्ट मैं इसमें, मैं गर्म होने का वेट कर रही हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल चंदा दी रसोई 24, दुआओं में याद रखिएगा। और डेली नई रेसिपी मैं लेके आपके पास आऊंगी। तो चलिए देखिए हांडी हमारा गर्म हो चुका है, इधर प्याज भी हमारा देखिए ब्राउन हो गया है, मैं इसे सिम पे ही ब्राउन कर रही हूँ। और नेक्स्ट मैं इसमें ज्यादा तेल मैं नहीं डाली हूँ, 2 बड़े चम्मच मैं इसमें, ये देख लीजिए 2 बड़े चम्मच मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डाली हूँ। और आज मैं यूज कर रही हूँ पतंजलि का मस्टर्ड ऑयल। देखिए अच्छा गरम मसाला ली हूँ, 2-3 मैं सूखी लाल मिर्च ली हूँ फ्रेंड, और 2 हरी इलायची है और 3-4 लौंग है, 1 बड़ी इलायची ली हूँ और 1 टुकड़ा मैं इसमें, ये देखिए छोटा टुकड़ा है, जायफल का ली हूँ। और सारे को मैं हांडी में, हांडी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डाल देती हूँ। बहुत अच्छे से गर्म हो रहा है, इसे मैं गर्म होने दे रही हूँ। और नेक्स्ट मैं इसमें अदरक लहसुन का, ये मैं कुटी हूँ, पेस्ट नहीं बनाई हूँ, 2 चम्मच भर के मैं अदरक लहसुन, क्योंकि चिकन हांडी बन रही है तो उसमें अदरक लहसुन अच्छे से जाना चाहिए। तो 2 चम्मच में भर के डाली हूँ और इसका स्मेल जाने तक, रॉ स्मेल निकल जाए, मैं भून देती हूँ। ये देखिए फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे साइड कर देती हूँ ताकि सारा तेल निकल जाए। चिकन को बहुत अच्छे से वॉश कर दी हूँ, 1 चम्मच मैं इसमें सिरका डाली हूँ, 1 चम्मच मैं इसमें चीनी डाली हूँ, 1/2 टीस्पून नमक डाल के 5 मिनट छोड़ देती हूँ। इससे चिकन हमारा बहुत अच्छे से साफ हो जाता है, इसका रॉ स्मेल जितना है वो निकल जाएगा और जो आपका चिकन है वो बहुत अच्छा बनता है, अंदर से जूसी हो जाता है। और इसे देखिए मैं अच्छे से अंदर बाहर कर दे रही हूँ और छोड़ देती हूँ 5 मिनट, और इधर बन चुका है। और नेक्स्ट मैं इसमें 2 प्याज डाल देती हूँ, मोटी मोटी ही मैं प्याज डाली हूँ क्योंकि हांडी में अच्छे से पक जाएगा, ये देखिए, और इसे भून देती हूँ। 1 हरी मिर्च कटी हुई डाल दी और सारे को अच्छे से 2 मिनट, ज़्यादा भूनना नहीं है। और अब मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ, 1 चम्मच में भर के धनिया पाउडर डाली हूँ, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 चम्मच में इसमें मिर्ची पाउडर डाली हूँ, अच्छा जीरा भी थोड़ी सी डाल दी हूँ, और 1/2 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला भी डाल दी हूँ, और नेक्स्ट मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक भी डाल दी हूँ और इसे 2 मिनट भून देती हूँ। 20 मिनट हो गए हैं, देखिए बहुत अच्छा से ये अंदर तक सारा साफ हो चुका है। अब मैं इसके पानी को निकाल के और चिकन को इसमें प्याज के साथ डाल देती हूँ, ये देखिए
चिकन को फिर से मैं वॉश कर देती बहुत अच्छे से और इसमें डाल देती। इसे धो देने से सिरका का जो स्मेल है वो भी निकल जाएगा और आपका चिकन जो है बहुत टेंडर बनता है बहुत। तो सारे कुछ मैं डाल दी हूँ, गैस का फ्लेम मैं ऑन कर दी हूँ। अपने ब्राउन ओनियन को भी डाल देती हूँ। ये देखिए सारे ओनियन को मैं 700 ग्राम चिकन ली थी और इसमें मैं 400 ग्राम प्याज का यूज की हूँ। कुछ तो मैं कटी हुई डाली हूँ और दो प्याज को मैं ब्राउन करके डाली हूँ। तो सारे कुछ मैं डाल दी हूँ और इसे मैं चलाऊंगी नहीं, गैस का फ्लेम मैं कम कर दी हूँ और नेक्स्ट मैं इसमें एक चम्मच भर के कश्मीरी मिर्च डाल दी हूँ, थोड़ी सी जीरा पाउडर भी डाल दी हूँ। नमक भी डाल दी हूँ, आप नमक डालें, मैं इसमें टोटल 1.5 चम्मच नमक टीस्पून से डाली हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें और एक मैं लहसुन भी डाल दी हूँ और इसे बंद कर देती हूँ। ये देखिए पकने देती हूँ, गैस का फ्लेम मैं कम कर दी हूँ, इसे 5 मिनट पहले मैं पकने देती हूँ। मैं 2 मिनट इसे अच्छे से, 5 मिनट हो गए थे, मैं इसे अच्छे से हिला दी हूँ और फिर मैं इसे खोलती हूँ। ये देखिए और इसमें मैं 1 चम्मच कूटी हुई ये मैं धनिया पाउडर धनिया ली हुई हूँ, सौंफ पाउडर है और इसमें मैं थोड़ी सी जीरा पाउडर, ये सब भुनी और कूटी हुई मैं बना के रखती हूँ वो डाली हूँ। और अब मैं इसे बंद करके सीम पे 10 मिनट छोड़ देती हूँ और थोड़ी सी मैं इसमें 1 चम्मच में भर के काऊ घी भी डाल दी हूँ और इसे कवर कर देती हूँ। 5 मिनट फिर मैं छोड़ दी थी इसे, और देखिए फिर मैं इसे अच्छे से गोल गोल घुमा के मेरा मुंह भी दिखा दीजिए, फिर से चढ़ा देती हूँ क्योंकि मिट्टी का बर्तन का खाना का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। पहले ज़माने में लोग मिट्टी के बर्तन में ही खाना बनाते थे, बिकॉज मिट्टी का जो बर्तन है वो शुद्ध होता है और इसमें खाना भी आपका बहुत अच्छा बनता है, उसमें मिट्टी की खुशबू आते रहती है सोंधी सोंधी और ये बहुत हेल्दी होता है। तो हम लोग तो मैं तो बार बार कभी कभी मन होता है तो मैं मिट्टी के बर्तन में ही एक दिन खाना बना देती हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी, अपने प्लेट को भी आज मैं लगाऊंगी, इसी के साथ मैं प्लेट भी आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे सर्व कर रही हूँ मिट्टी के बर्तन में। तो देखिए फिर से मैं इसे एक बार खोल देती हूँ। ये देखिए अभी धीरे धीरे देख सकते हैं आप, धीरे धीरे ये उबलने लगा है और फिर से मैं इसे ढक के और ऊपर से मैं इसमें अब ये देखिए रख के छोड़ देती हूँ, ढक्कन हटा दी हूँ, मैं ढक्कन हटा दी हूँ और ऊपर से मैं इसमें धनिया पत्ता डाल दी हूँ और 2 मिनट मैं इसे गैस का फ्लेम मैं बंद कर देती हूँ और 2 मिनट ठंडा होने तक छोड़ देती हूँ, फिर मैं इसे डिस आउट करूँगी। कि हमारा चिकन हांडी का जो ब्लॉग लेके मैं आज आई थी वो आपको कैसा लगा? मैं बनाती हूँ, चाय सर्व भी करती हूँ। तो अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल चंदा दी रसोई 24, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें जिससे नोटिफिकेशन आप तक मेरा नई वीडियो का चला जाए। मैं डेली न्यू वीडियो लेके आती हूँ। ठंडा हो चुका है, देखिए कितनी अच्छी इसकी स्मेल आ रही है, कितनी अच्छी कलर आई है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अब मैं इसे डिस आउट करती हूँ। मैं लहसुन डाली थी अक्खा लहसुन, इसे मैं निकाल देती हूँ। हमारा देखिए कितना अच्छा से मिल गया है, बहुत जल्द बना है। बिगनर्स लोग के लिए भी मैं बनाई हूँ, बैचलर भी इसे बना सकते हैं क्योंकि बहुत इजी वे में बनाई हूँ, कोई खास बात थी नहीं इसमें। ये देखिए बैचलर तो इसे आसानी से बना सकते हैं और मिट्टी के बर्तन की हो खुशबू तो मत पूछिए, गजब। लुक्स
लुक एट दिस गाइस, देखिए कितनी मस्त, कितनी यम्मी, मिट्टी की सोंधी सोंधू खुशबू वाली मटका वाली चिकन, चिकन हांडी बनके तैयार है। आपने देखा मैं इसे कितना अच्छे से बनाई हूँ, इजी वे में बनाई हूँ। और ये देखिए सारे को मैं आज थाली लगा दी हूँ, तो मैं मिट्टी के बर्तन में ही सब की हूँ। देखिए ये राइस मैं बनाई हूँ, और इसे मैं आज बनाई हूँ मटर राइस बनाई हूँ। थोड़ा सा नींबू भी मैं इसमें डाली हूँ, घी भी डाल दी हूँ थोड़ा सा, इससे इसका टेस्ट जो है राइस का इन्हेंस हो जाता है, और मटका चिकन के साथ बहुत टेस्टी लगता है। और ये देखिए मैं इसमें चिकन निकाली हूँ सर्व करने के लिए, तो आज की हमारी थाली भी बन गई है। ये चिकन है, और ये मैं सिरके वाली प्याज जो मसालेदार बनाती हूँ वो बनाई हूँ। ये भी मैं मिट्टी के बर्तन का ही यूज की हूँ, और ये भी मैं मिट्टी के बर्तन में ही मटके में निकाली हूँ। छोटी सी मटका है हमारे पास, मैं इसमें दही भी रखती हूँ, दही भी जमा देती हूँ कभी कभी धो धा कर। और तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल चंदा दी रसोई 24। दुआओं में याद कीजिएगा, और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी एक नई थाली के साथ। बाय बाय, सब वक खैर, हाय वे नमस्ते। तो गैस देखिए हमारा आज का प्लेट बना ही है मिट्टी के बर्तन में, थाली में बनाई हूँ। तो देखिए इसमें मैं राइस निकाल दी हूँ, लेमन डाल के थोड़ी सी घी डाली थी काऊ घी, और थोड़ी सी मटर डाल के, और थोड़ी सी धनिया पत्ता से गार्निश, और हरी मिर्च ऊपर से मैं डाली हूँ। और मिट्टी के बर्तन में ही मैं चिकन भी सर्व की हूँ। मिट्टी के बर्तन में मैं प्याज के सिरके वाली सैलड भी बनाई हूँ, और ये हांडी वाली हमारी आज की रेसिपी थी। और अब मैं पानी भी देखती हूँ मिट्टी के बर्तन में ही ला। तो आज का ब्लॉग हमारा एंड हो रहा है, फिर मैं एक नया ब्लॉग लेके आऊँगी, देख लीजिए आप। फिर से मैं बता दे रही हूँ, मैं इस पानी भी मिट्टी के बर्तन में लाई हूँ, मटका वाली चिकन को भी मैं छोटी सी मटके में ही सर्व की हूँ, और सैलेड भी जो मैं बनाई हूँ वो भी छोटे से बर्तन में, ढक्कन है इसका, इसमें मैं सर्व की हूँ। ये राइस भी मटके वाले प्लेट में मैं रखी हूँ, और इधर हमारी मटके वाली चिकन बनी है, हांडी चिकन, मटके वाली चिकन, जो बोलिए आप। तो अगर हमारे बिगनर्स को ये पसंद है, हमारे बैचलर भी इसे बहुत ईजी वे में बना सकते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।